अरे काय की शांति, जरा देखो इस बैंगलोर को, कितना पॉपुलेशन, कितना पॉल्यूशन, ये भी कोई लाइफ है? अरे हमारे गांव में आके देखो, सब जगह साफ साफ दिखाई देगा, कलरफुल लाइफ है। हेलो, आपने तो लाइफ ही बिल्कुल कलरफुल लाइफ है। ए आपने पे कलर कितने पे का होली आ गई की होली लगा ली होली लगा होली है। ब्रदर, नहीं ब्रदर सुनो, मेरे पास ये एक ही कपड़ा है, मुझे जाने दो ना, मैं होली नहीं खेल सकता। देख भाई, साल में एक ही बार होली आती है, वो तो हम मनाएंगे, मुझे क्या टेंशन है, कपड़े का ना हम देंगे। चल यार, ब्रेक अभी तक हमारे चैनल में नहीं आया, अब ये समझ ले तेरा प्रोग्राम भी चालू नहीं होने वाला। किरण की कितनी मिस कॉल्स आई हैं, तेरी वजह से स्विच ऑफ किया। मैंने मोबाइल साइलेंट करने के लिए बोला था, स्विच ऑफ तो तूने खुद किया था ना। हाँ, अब तो ये नॉट रीचेबल बता रहा है। अगर हम भी बेसमेंट में जाएंगे तो हमारा नेटवर्क भी गायब हो जाएगा, पता नहीं बेचारा कहाँ घुसा होगा। डार्लिंग, ओपन द डोर, पति परमेश्वर है। ये देखो, ये हमारे घर पर आए। नमस्ते। इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया, इनके लिए जाकर कुछ बनाओ, जाओ जा ना। एक मिनट अंदर आओ ना। आओ ब्रदर, सिट डाउन। ओके ओके। अरे मैं सोफा नहीं खरीदा क्या? अरे क्या बोल रहे हो? अरे भाई क्या कर रहे हो? अरे भाई छोड़ो, अरे छोड़ो इनको, सबके सामने मार रहे हो उन्हें। हट जाओ। नहीं छोड़ूंगा, तू है यार। रुको यार, जान से मार दूंगा। मेरा दोस्त इतनी दूर से है और कहते खाना नहीं है, खाना नहीं है तेरे पास। तेरी हिम्मत कैसे मना करने की? बता ना, मार दूंगा मैं तुझे। जा भाई, अच्छी बात नहीं है। निकल जा, निकल जा मेरे घर से। ए जा ना, कहाँ जाएगी? ए किसको जाने के लिए बोल रहा है? मुझे जाने को? निकल। अरे बहन, अभी तुम शुरू हो गई, क्या कर रहे हैं? तुझे जान से मारूंगी। जा रहे घर से निकालने का मुझे? ऐसे नहीं होगा, आज तेरा किस्सा ही खत्म करती हूँ। ये क्या करने जा रही हैं आप? इससे शादी करने से पहले मैंने बहुत सपने देखे थे। ये तंग करता है उसकी चिंता नहीं, मैंने तो ये सोचा था कि रुकी सुखी खाके मैं अपनी जिंदगी काट लूंगी। शादी के पहले दिन ही इसने मेरे गहने चोरी कर लिए, धीरे धीरे घर के सारे बर्तन बेच आया। इतना ही नहीं, मेरा मंगलसूत्र भी ये जाके बेच आया, फिर भी इसे शर्म नहीं आई। मैं घरों में जाके बर्तन मांजती हूँ और उससे जो पैसे मिलते हैं उन्हें चोरी करके ये दारू पी जाता है। भैया पूछो इससे, जिंदगी नरक बन गई है भैया, फिर भी मैं खुशी खुशी इसके साथ जिंदगी बिता रही हूँ। आप ही बताइए ना, मैं घर का भाड़ा भरूं या राशन लाऊं या फिर इसके लिए दारू खरीद के लाऊं? भाई, शादी करके बच्चा पैदा करना मर्दानगी नहीं है, अपने परिवार की अच्छे से परवरिश करना, इसे ही मर्दानगी कहते हैं। माँ, हाँ बेटा, आप रो रही हो क्या माँ? नहीं बेटा, मैं तो नहीं रो रही। क्या माँ, आपने मुझे सुबह सुबह उठा के स्कूल भेजा, आपने तो बोला था मुझे वहाँ पे खाने को खाना मिलेगा, वहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ खाने के लिए दो ना माँ, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मुझे कुछ खाने के लिए दो ना माँ। कौन से बाप की है जो तुझे खाना भी नहीं दे सकती? तुझे बहुत पसंद है ना प्रसाद, मैं वही ला कर देती हूँ तुझे, ठीक है ना? ठीक है, ला मैं खा लेती हूँ। आ बैठ, ये ले खा ले। एक भाई समझकर तुम्हें एक बात बताता हूँ, गलती तो माफ हो जाती है लेकिन अपराध नहीं। तुमने अब तक जो किया वो गलती थी, इसे सुधार सकते हो। जरा देखो, तुम्हारी बेटी भूखी है ये जानकर भी तुम इसी तरह शराबी बनकर जिंदगी बिताओगे ना, तो वो अपराध से कम नहीं होगा और इसकी कोई माफी नहीं है। तुम तो मुझे यहां खाना खिलाने के लिए लाए हो, कोई बात नहीं, दुनिया बहुत ही छोटी है भाई, जिंदगी रही तो हम वापस मिलेंगे। अगर तुम अपने परिवार को खुशी से दो रोटी खिलाओगे ना, तो तुम्हारे साथ आधा गिलास जो चाय पीऊंगा वो अमृत के समान होगी।
उम्मीद करता हूँ मेरी बात तुम समझ गए होगे। चलता हूँ मैं। हेलो। अरे वाह, रेगिस्तान में तो पानी आ गया है। क्यों, क्या हुआ? तुमने पहले वीना को भेजा था, उसे अपना बॉयफ्रेंड मिल गया, और तुम्हारा वो अक्षय, उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। What? पुलिस ने अरेस्ट कर लिया? क्यों, किस लिए? अरे गलती की है, अरेस्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए मैं बच गया। ठीक है, तुमने बैंगलोर देख लिया? अब तक जितना देखना था उतना तो देख ही लिया, अब आगे क्या देखना है वो बताओ। मेरा काम सब खत्म हो गया है, मैं ही आती हूँ। तुम कहाँ हो? मैं कहाँ हूँ, यहाँ एक पान बीड़ी की दुकान है, मैं पूछ के फोन करता हूँ। ओके भाई, ये एरिया कौन सा है? अरे ये एरिया कौन सा है? इसके तो दोनों स्पीकर आउट हैं। अरे 100 रुपए खत्म हो गया। हेलो, बताओ कहाँ हो? अरे क्या बताऊँ कहाँ हूँ, वो तो बात ही नहीं कर पा रहा है। मेरी बात उसे समझ में नहीं आएगी और उसकी बात मैं समझ नहीं पाऊंगा। ऐसा क्या? देखो आसपास कोई होगा, लोकेशन बता देगा। एक मिनट, यहाँ कोई इंस्पेक्टर आ रहा है, मैं उससे पूछ लेता हूँ और फिर तुम्हें फोन करता हूँ। ओके। सर 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 एक मिनट सर, सर यहाँ का एड्रेस बताइए ना। पहले तू 300 रुपए फाइन निकाल। एड्रेस पूछे तो 300 रुपए फाइन देना पड़ेगा। एड्रेस पूछने का नहीं, ये पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीने का फाइन है। तेरे को इतनी सी बात समझ में नहीं आती है? सॉरी सर, मैं जरा टेंशन में हूँ। इससे तेरा टेंशन कम होगा, चल 300 रुपए फाइन निकाल। सर 300 रुपए तो दूर, जेब में 3 रुपए भी नहीं है। सर तेरे जैसे 300 लोगों को रोज चराता हूँ मैं, ये देख फाइन देगा तो 300 रुपया, हाथ पे देगा तो 100 रुपया, क्या करना जल्दी बोल। सर 3 रुपए भी नहीं है तो 100 रुपए कहाँ से दूंगा सर, इस मोबाइल के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है सर। चले मोबाइल में भेज देता हूँ, तेरे लिए रसीद काट देता हूँ। सर ये मोबाइल दूंगा तो मैं गांव कैसे जा पाऊंगा, अब फाइन के पैसे नहीं है तो आप मोबाइल ले ले रहे हो, अब मोबाइल के बदले कुछ और दे सकता हूँ? ये घड़ी नहीं है क्या? सर मैं फर्स्ट क्लास में पास हुआ था तो मेरे पिताजी ने मुझे गिफ्ट दी थी। मेरा बेटा भी तो अभी भी पास हुआ है, मुझको भी तो गिफ्ट देना चाहिए। मेरा मोबाइल। हाँ तेरा टाइम अच्छा है जो छोड़ दिया, नहीं तो तुझे बुलेट पर बैठा के लेके जाता। हेलो, लोकेशन पूछा? पूछा था तो उसने छीन लिया। क्या? मेरा वॉच। वॉच उसने क्यों छीन लिया? पब्लिक प्लेस में सिगरेट पी रहा था इसलिए छीन लिया उसने। ठीक है, वहाँ कोई नहीं है क्या एड्रेस बताने के लिए? कब से यही तो बता रहा हूँ। ए ब्रदर, अपुन है ना यहाँ पर हमेशा आपकी सेवा के लिए, एनी हेल्प? सर मैं कहाँ हूँ ये अभी बता सकते हो? ओके, नाइस मोबाइल है, थैंक यू। आपका है जी? हेलो, लड़की है क्या? ओह हेलो मैडम, बहुत अच्छा लगा बात करके, तू यहीं पर रुक भाई। हेलो मैडम, आप व्हाट्सएप फेसबुक पर है क्या? मैं सब पे हूँ। पहले मेरा फ्रेंड कहाँ है ये बताओ। मैडम ये यहीं पर है मैडम। ए तू यहीं पर रुकना। हाँ ओके ओके। कहाँ है? हेलो हेलो, लगता नेटवर्क वीक हो गया, मैं नेटवर्क लेकर आता हूँ। सर सर, अरे तेरी, Yeah.
ए, क्या सोच रहा, मुझे पकड़ लिया? ये अपुन का एरिया है। ए, तो खुद को किंग समझ रहा है क्या? पर यहाँ का असली किंग तो मैं हूँ। लड़ेगा मुझसे, लड़ेगा। तू किंग का नाम लेकर जिंदगी गुजार रहा है और मैं शिव का नाम लेकर जिंदगी गुजार रहा हूं। चल मेरा मोबाइल निकाल टकले। हेलो। हेलो किरण। ए, तुझे क्या हो गया, फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहा था? वो लंबी कहानी है, सामने मिलके बता दूंगा। ठीक है, कहाँ है तू? ये एरिया कौन सा है? ओ याली कवल। ओ याली कवल। ठीक है, वहाँ बगल में एक छोटा तालाब है, मैं वहीं आ रही हूँ, तुम भी आ जाओ। ठीक है।